हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और देखेंगे कहां एंट्री कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी, तो यहां से आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक लोअर हाई बना रहा है, सॉरी लोअर लो बना रहा है। जैसे ये लोअर लो, लोअर हाई, फिर से लोअर लो। तो यहाँ से देखेंगे तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके मार्केट फिर से नीचे आने का चांसेस है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर पॉइंट को कनेक्ट करके, ये जो हायर पॉइंट है उसको कनेक्ट किया मैंने। तो कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से एक लोअर पॉइंट को कनेक्ट किया मैंने। तो यहाँ से जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट करके यहाँ से किया, जो जो लोअर पॉइंट था यहाँ से कनेक्ट किया मैंने। तो यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ जाके यहाँ पे आया हुआ है जो लोअर पॉइंट में। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है मार्केट, तो यहाँ से फिर से एक मार्केट रेंज में आ सकता है। तो आपको अगर बैंक निफ्टी में एंट्री करना है तो यहाँ से अगर किसी ने एंट्री किया तो इसका थोड़ा नीचे ऐसे लगा सकता है, नहीं तो इसको ब्रेक करके ये जो सपोर्टिंग लाइन अराउंड 27,000 आसपास है तो यहाँ पे आ सकता है, नहीं तो यहाँ से मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट किया तो ये हार्डली यहाँ तक जा सकता है, अराउंड लेवल 27,400 का आसपास आप मार्केट जा सकते हैं ये लेवल पे। तो यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आने का चांसेस है ये लोअर पॉइंट के लिए, ठीक है, ये जो सपोर्टिंग लाइन है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी अभी मूविंग एवरेज 200 एक्सपोनेंशियल मैंने यूज़ किया हुआ है एक्सपोनेंशियल, तो इसको ब्रेकआउट करके नीचे आया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है, राइट। तो अगर मार्केट आपको ऊपर में मिल सकता है जैसे 27,500 के आसपास, तो यहाँ पे आप 27,500 का ऊपर में आप बाय जा सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ तक जा सकता है 27,650 का आसपास, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।